शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम रोज इधर क्यों आते हैं? आप बताओ, हम यहाँ पर क्यों आते हैं? क्योंकि आपको ये रेस्टोरेंट अच्छा लगता है ना? देखा, मेरा बेटा कितना स्मार्ट है। हाँ बाबा हाँ, पूरे बैंगलोर में या तो ये स्मार्ट है या तो तुम स्मार्ट हो। रुको बेटा, अब अपने डैड से ये भी तो पूछो कि वो हमें हमेशा इसी रेस्टोरेंट में क्यों ले आते हैं, उन्हें ये रेस्टोरेंट इतना पसंद क्यों है? बताइए डैड। क्योंकि तुम्हारी मम्मा मुझे शादी से पहले यहीं लेकर आती। शादी के बाद? शादी के बाद मैं उन्हें यहाँ लेकर आता था। क्यों? क्योंकि इस रेस्टोरेंट से हमारी बहुत गहरी यादें जुड़ी है। कितनी यादें डैड? है थोड़ी बहुत, मेरे पास तो गिनती की वैसे भी कुछ ही यादें हैं। तो तुम्हारी मॉम पे शुरू होती हैं और तुम पे खत्म हो जाती हैं। सिंपल। और उससे पहले वाली यादें डैड? अरे तुम लोग दोनों बस अभी बातें ही करते रहोगे, कुछ खाने के लिए नहीं मंगवाओगे क्या? बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। हाँ मुझे भी। तुम बताओ तुम क्या लेना पसंद करोगे? हमको तो सिर्फ तीन चीजें पसंद हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। इतना प्यारा है हमारा बेटा, पता नहीं मेरा बचपन कैसा रहा होगा। मैं बोलूं? आप अपनी मॉम से पूछिए, जैसे मैं अपनी मॉम से पूछता हूँ, है ना मॉम? आप मुझे बताती हैं ना, जब मैं छोटा था वह वह करके रोता था। भूख लगी, अब कुछ मंगवा भी लो। वेटर। आई बाबा। अल्ले, मेरी आइसक्रीम वाली गुड़िया आ गई। हाँ, सारा दिन आज आइसक्रीम खाती रही, क्यों? हाँ मम्मी, और हमने खूब मजा किया, है ना मम्मी? हाँ बहुत मजा आया भाई, लेकिन ये तो बहुत चीटिंग है। क्यों नानू? अब देखो ना, हमारी छोटी सी प्यारी फ्रूटी बिटिया घूमने गई और नानू को और नानी को यहीं पे घर पे छोड़ गई। सॉरी नानू, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, जब भी जाएंगे वह आप लोग को लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच, छोटा सा बहुत प्यारा प्यारा बच्चा है भाई, आगे से लेके जाएगा। अच्छा लाओ अब हमारी आइसक्रीम दो। लाओ 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 लाओ, अरे वाह ये तो बढ़िया, चलो अब वो छोटी वाली नानी को दे दो चुपचाप जल्दी से। नताशा दी। अरे देवांग, कब आए तुम ऑफिस से? मैं देख रही हूँ आजकल तुम रोज लेट आ रहे हो। अरे किसने कहा इतना काम करने के लिए? किसी ने नहीं, बट एज यू नो आई एम वर्कहोलिक। हाँ मुझे पता है, वो तो तुम बचपन से हो। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं दी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 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 क्या दी? वो छोड़िए, जाने दीजिए। अरे बाबा बताओ क्या बात है दी? बात तो मुझे लगता है कि है, समझ में नहीं आ रहा कि कहूँ कैसे, कहूँ के ना कहूं। अरे बाबा कह दो कह दो, मैं कह रही हूँ ना इसलिए कह दो। वैसे बात है किसके बारे में? तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, काम के बारे में है? तो फिर आप नाराज तो नहीं होंगी ना दी? देखो देवांग, अब तुम और ड्रामा करोगे ना तो जरूर नाराज हो जाऊंगी। ये तुम्हारी हर बात में सस्पेंस डालने वाली आदत ना गई नहीं है अभी तक।
चलो अब जल्दी से मुझे बता दो वरना मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। दी बात वो एक्चुअली जीजा जी के बारे में। आज पता नहीं एक औरत ऑफिस में उनसे मिलने आई थी। कौन सी औरत? कोई क्लाइंट होगी? क्लाइंट नहीं थी। तो अब पता नहीं कौन थी, अपना नाम तो नहीं बताया उसने। वो एक्चुअली आज जीजू ऑफिस में नहीं थे ना, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई उसकी। तुमने देखा था उसे? कैसी थी देखने में? मोस्ट ऑर्डिनरी दी, मतलब आपके सामने तो बिल्कुल जीरो। सूट पहना हुआ था, अजीब से आगे बाल कर रखे थे, हाइट ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी। कौन हो सकती है जी? क्या पता होगी कोई। हाँ हाँ होगी कोई, यू नो, बट वो जीजू की सुंदर सी सेक्रेटरी है ना प्रिया, उससे बोल के गई है कि जीजू से वापस मिलने आएगी। के लिए गुड न्यूज है। कौन सी गुड न्यूज मिस? लास्ट वीक मैंने आप सबको रामायण की कहानी सुनाई थी, याद है? तो इस दशहरे की शाम को आप सभी लोग अपने पेरेंट्स के सामने रामलीला पेश करोगे। अरे वाह, अच्छा तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? दैट्स द स्पिरिट। ठीक है, तो रामलीला की प्रैक्टिस करने के लिए तो सारे बच्चे घर जाकर अपने अपने पेरेंट्स को डायरी दिखाएंगे और इन राइटिंग स्कूल के बाद रामलीला की प्रैक्टिस करने के लिए शाम को 5 बजे तक स्कूल में रुकने की परमिशन लेकर आएंगे। आई बात समझ में? राव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, हाउ मे आई हेल्प यू? कैन आई स्पीक टू मिस्टर सिद्धार्थ राव प्लीज? आई एम सॉरी मैम, वो अब तक ऑफिस नहीं पहुंचे। आपका नाम और कॉल करने का पर्पस? हेलो हेलो, ना नाम बताया ना काम बताया, कौन थी औरत? मम्मी। अरे बेटा, अंबर की ऑफिस में फोन कर रही थी। पर अभी वो ऑफिस पहुंचे नहीं है। कोई बात नहीं, करती रहूंगी बार बार फोन, और इस बार तो उनसे मिलकर ही रहूंगी अपनी बेटी के लिए। अब उसको ऐसे अपने पापा के लिए तरसते नहीं देख सकती मम्मी। बेटा तड़पते तो मैं भी तुझे अब नहीं देख सकती, लेकिन बेटा इस बार मेरा मन कहता है कि तेरी कोशिश जरूर कामयाब होगी। बहुत कर ली तपस्या तूने, अब देखना यह है कि बप्पा तुझे फल कब देते हैं। दशहरे के दिन स्कूल में रामलीला होने वाली है। अच्छा, रामलीला? तुम उसमें क्या कर रहे हो? मैं राम बना हूँ और बच्चे हनुमान जी बने हैं। अरे वाह, सच्ची? हाँ। काश मैं भी तुम्हारी रामलीला देख पाती, लेकिन हमें कौन आने देगा तुम्हारे स्कूल में? हाँ आने देंगे, मिस ने कहा है रामलीला में सबको आना है। हाँ, मतलब मॉम, डैड, नाना, नानी, सबको? हाँ नानी आप आएंगी ना?
भला ऐसा हो सकता है कि मैं अपने दुग्गू की रामलीला देखने ना जाऊं? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। और बताए नानी जी, फ्रूटी की मॉम भी आ रही है रामलीला देखने के लिए, आप उनसे मिलना, ओके? मैं नानू को बताने जाऊं स्कूल में रामलीला हो रही है? हाँ, जाओ जाओ। अगर सिद्धार्थ दुग्गू के स्कूल रामलीला देखने चला गया, उससे वहां नियति मिल गई, तो तेरी लाइफ में महाभारत शुरू हो जाएगी, देखना। तो अब मैं क्या करूं मॉम, आप ही बताइए, मुझे तो कुछ सोचना ही बंद हो गया है। तेरे पास अब भी एक बहुत बड़ी चीज है बेटा, जिसके सहारे तू ये जंग जीत सकती है, और वो चीज है सिद्ध का प्यार। वो तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, बस इसी बात का तू फायदा उठा ले बेटा, सिद्ध को मना ले कि वो डुक्कू के स्कूल रामलीला देखने ना जाए। कैसे मॉम? मेरे पास एक तरीका है, तू ध्यान से सुन। अगर तू सिद्ध को खोना नहीं चाहती है, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती है, बस तेरे पास एक यही रास्ता है, तो तुझे मेरी ये बात माननी पड़ेगी। तुझे ऐसा ही करना होगा जैसे मैंने कहा है, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। जो खुशियां आज तेरे हिस्से में है, वो किसी और के झोली में चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सिद्ध मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। सिद्ध को पाने के लिए तो मैं मौत से भी लड़ जाऊं मॉम, तो फिर ये नियति जी क्या चीज है? अब मैं वही करूंगी जो आपने मुझे सिखाया। Yes, sir. Oh, आ गई तुम? एक मिनट सर, प्लीज दरवाजा मत लॉक कीजिए। I'll never do that again. मैं तो सिर्फ यही चेक कर रहा था कि दरवाजा कहीं गलती से लॉक तो नहीं हो गया, और वैसे भी दरवाजा बंद हो या खुला, दिल के दरवाजे खुले होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, और यू से आई डोंट नो सर, मुझे आज डेस्क पर बहुत सारा काम है, आई हैव टू गो। और मेरा काम कौन करेगा? देखा, तुम्हारी बातों में मैं भूल ही गया कि मैंने तुम्हें यहां पे अपनी एक पर्सनल हेल्प के लिए बुलाया था। करोगे मेरी हेल्प प्लीज? एंड तुम चाहो तो ना भी कर सकती हो, क्योंकि ये पर्सनल टाइप की हेल्प है, एंड यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू इट, सो व्हाट डू यू से, करोगी मेरी हेल्प? कैसी हेल्प सर? पहले आओ तो सही, बैठो आराम से, बताता हूँ, कम आओ, बैठो। अरे बैठो ना, Make yourself comfortable. हाँ, तो सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बॉस जीजू, I mean, मिस्टर सिद्धार्थ राव हैं, मैं नहीं। We are just
कलीग्स इन द कंपनी राइट. तो फ्रॉम नाउ ऑन हम पूरा वीक काम करेंगे, सिर्फ काम करेंगे और जमकर काम करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी ड्यूटी है. लेकिन वीकेंड्स पर वी आर फ्री टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट राइट. देखो प्रिय, मुझे तुम पर, तुम्हारी स्किल्स पर और तुम्हारी ऑनेस्टी पर पूरा भरोसा है. लेकिन क्या तुम्हें भी भरोसा है मुझ पर? कहानी कहानी नहीं बेटा, रामायण की कथा होती है. कथा कथा कहानी क्या है, वो फिक्टिशियस होती है, मनगढ़ंत. लेकिन कथा जो होती है वो मोस्टली सच्ची होती है, जिसमें हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है. फॉर एग्जाम्पल हाँ, ये बेटे को अपनी डैडी की बात माननी चाहिए, जैसे राम जी मानते थे. और तभी तो उनके कहने पे 14 साल के लिए वो जंगल में चले गए. जंगल? लेकिन सीता मैया को तो नहीं दिया था वनवास, वो अपने पति का साथ निभाने के लिए वनवास चली गई उनके साथ. क्यों नाना जी? इसलिए बेटा कि अच्छी पत्नियां हमेशा अपने पति का साथ निभाती, अब वो चाहे महल में रहे या चाहे जंगल में. जंगल में क्या हुआ नाना जी? और जंगल में बेटे क्या हुआ, राक्षसों का राजा रावण आया, वो सीता मैया को उठा के ले गया. फिर क्या, सीता मैया को बहुत दिनों तक उस रावण की कैद में रहना पड़ा, अपने पति से दूर. क्या करती बेचारे, अपने पति को याद करके खूब रोती थी. फिर राम जी ने क्या किया नाना जी? जी ने एक बड़ी सी आर्मी बनाई बंदरों की. उनका कमांडर कौन था? उनके कमांडर थे हनुमान जी. हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं और खुद भी भगवान हैं. फिर क्या, बस राम जी ने अपने भक्त हनुमान और भाई लक्ष्मण के साथ में मिलके प्लान बना. प्लान और उस प्लान के तहत हनुमान जी लंका गए रावण को समझाने. लेकिन रावण इगोइस्ट था, अभिमानी, इसलिए हनुमान जी की बात समझा नहीं और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी. नो मैन. यस मैन. बाद में हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से रावण की पूरी लंका को जलाकर खाक कर दिया. बोलो सियापति रामचंद्र की जय. लेकिन भगवान राम तो भगवान थे, उन्हें पता था कि सीता मैया बिल्कुल निर्दोष है. लेकिन जब भगवान मनुष्य का रूप लेके इस संसार में आते हैं, धरती पर आते हैं, तो यहाँ के नियमों का, यहाँ के रीति रिवाजों का उन्हें भी पालन करना पड़ता है. इसीलिए श्री राम को सीता मैया की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी. अच्छा. ताकि उस समय के समाज के सारे आदर्शों का पालन हो सके, है ना. लेकिन सीता मैया तो देवी थी, उन्हें कोई आग कैसे जला सकती है ना. सीता मैया को कोई आग नहीं जला सकती. मतलब सीता मैया बच गई, जली नहीं? बिल्कुल बेटे, जिसका प्रेम सच्चा होता है उसे दुनिया की कोई भी आग जला नहीं सकती. थैंक गॉड सीता मैया बच गई. तो बोलो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसकी हमेशा जीत होती है. झूठ और फरेब के सहारे चलने वाला इंसान शुरू शुरू में तो बहुत तरक्की करता है, लेकिन बाद में उसी की हार होती है. आई बात समझ में? अच्छी तरह नाना जी. ओ, मेरा बेटा समझ गया. घबरा मत बेटा, इस लड़ाई में जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जानबूझ के किसी के साथ तुमने गलत नहीं किया है. गलत तो वो नियति कर रही है जो तुम्हारे सुंदर संसार में भूचाल लाना चाहती है. अंत में देखना वही हारेगी.